दोस्तों आप जानते हो कि हमीरदेव रणथंभौर चौहान वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। राजा हमीरदेव चौहान का जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंशी राव जेत्र सिंह के पुत्र के रूप में अरावली पर्वतमालाओं के मध्य बने रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। जेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही हमीरदेव चौहान की वीरता को देखते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। हमीरदेव चौहान का राज्याभिषेक 1282 में रणथंभौर के दुर्ग में हुआ था। हमीरदेव चौहान की पत्नी यानी रणथंभौर की महारानी का नाम रंगा देवी था। इन्हीं के नेतृत्व में राजपूताना का पहला जौहर हुआ था। इनकी पुत्री का नाम पद्मा था। राजा हमीरदेव चौहान के प्रिय घोड़े का नाम बादल था।